वश ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको दिलचस्प और मालूमती खबरें मिलती रहें। हमें फेसबुक और ट्विटर भी फॉलो कीजिए। हैदराबाद सोहबतपुर शहरा लॉकडाउन नरमी कनेक बुताए इधर गतसर्ज में शहरी दुकान और बाजार पच कनेक बुतना दिलगुश कने च सोहबतपुरा सरदार बंगल जाइए रिपोर्ट हस्ते सोहबतपुर हम लॉकडाउन है हमारा टाइमिंग है हमारी चा के हस्ते नरमी कनक बीजी है ए के हस्ते शहर है हम के हस्ते बाजार के हस्ते हमा कारोबार हस्ता हमा तो खुलजिया ए के हस्ते ब्याए चारे मर्दुमाश मा फोल खनू के हस्ते हमा ईद आ शरंदा लॉकडाउन हम नरमी आरतियाँ इसी बाबता आ के हस्ते छः गुशगा यहाँ जिला सोहबतपुर में ईद के बाद उसका टाइम टेबल चेंज हुआ है। पहले था कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, और आजकल जो है अब नया निज़ाम जो नया टाइम टेबल है वो सुबह 8 से रात 8 बजे तक है। इससे जो मजदूर तबका है वो भी बहुत फ़ायदेमंद है उसके लिए भी, क्योंकि सब अपने बच्चों के रोज़ी रोटी कमा सकते हैं, और तमाम जो मजदूर तबके हैं दूसरे दुकानदार वगैरह हैं वो भी क्या कर सकते अपना गुजर बसर कर सकते हैं। तो जो हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इस कोरोना वायरस में जो हमारे गरीब तबका ज़्यादा मुतासर हुआ है उनको अपनी तरफ से रिलीफ दिया जाए, और जो लॉकडाउन का निज़ाम है उनको भी कम किया जाए। जो लॉकडाउन ईद से पहले था अब वज़ीर आला के हुक्म के मुताबिक ईद के बाद लॉकडाउन को सुमा लॉकडाउन में तब्दील कर दिया गया है। इसमें आवाम को बहुत रिलीफ हुआ है। अभी हम मुतालबा करते हैं कि हमारे सोहबतपुर में कोई कोरोना की वायरस भी नहीं आए, इसलिए कि हमें इस सुमा लॉकडाउन को भी ख़त्म करके आवाम को जो ना बड़ी रिलीफ मिले। वज़ीर आला का शुक्रिया कहना चाहता हूं कि उसने लॉकडाउन में नरमी की है हमारी सोहबतपुर आवाम के लिए। और दूसरी बात यह है कि हमारे गांव में कोई भी ऐसा केस कोरोना का नहीं हुआ है जो ज़ाहिर हो। हम वज़ीर आला से अपील करते हैं कि सिमाई लॉकडाउन को भी ख़त्म करके उसके भी जान छुड़वाया जाए। हमारा वज़ीर आला बलोचिस्तान मुतालबा खुदा के हस्ते सोहबतपुरा में कोई हम इनका केसेस नहीं, हवाई आके मैं सोहबतपुरा के हस्ते हमारा लॉकडाउन है हमारा ख़त्म खनी जी बरवी। कैमरा टीम को हमारा या सरदार बंगुल जई वश न्यूज़ सोहबतपुर।